तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro एंड Redmi 9 Power एंड Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे इस अपडेट के कन्फर्म डेट के बारे में। सो गाइस, अगर आप इन डिवाइस में से कोई भी डिवाइस के यूजर्स हैं तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, यह लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो बस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के बारे में। तो देखो यार, ये डिवाइस में ना काफ़ी लंबे समय से अप्रोक्स यार 100 डेज प्लस से कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस, Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के जो यूजर्स हैं ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यार देखो, ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यार काफ़ी लंबे समय से कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो वो तो ऑटोमेटिक है कि यूजर्स को काफ़ी सारा बग एंड इशू फेस करना पड़ रहा होगा, एंड सिक्योरिटी पैच भी काफ़ी पुराना हो गया है। तो यार आप लोगों के डिवाइस में ना MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 अपडेट से पहले पहले एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जिस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पर फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर बात करें कि ये सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, यार आप थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि आप लोगों को ना यार 20 सितंबर तक आप लोगों को ये सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, फिर यूजर्स के मन में ये एक सवाल बन जाएगा कि आखिर 20 सितंबर तक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो फिर Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट आखिरकार कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, आप लोग को हो सकता है कि अक्टूबर महीना के एंड वीक से MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो सकता है पायलट यूजर्स के लिए। उसके बाद गाइस, अगर पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। तो वो आता है यार Redmi 9 Prime का। यार Redmi 9 Prime डिवाइस में ऑलरेडी एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिल गया है, जिस अपडेट का वर्जन आप लोग को MIUI 12.5.5.0 का देखने के लिए मिल गया था। एंड गाइस, ये अपडेट का फाइल साइज भी 158 MB देखने के लिए मिल गया था। तो गाइस, ये जो अपडेट देखने के लिए मिला था ना, ये एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट था, जो कि एक बेटर अपडेट था, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जब डिवाइस का बग एंड इशू फिक्स होगा तो वो तो ऑटोमेटिक है कि डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो अब बात आता है कि Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट आखिरकार कब तक देखने के लिए मिलेगा। यार आप वेट कर लो, आप लोग को हो सकता है कि सितंबर महीना के एंड वीक से पायलट यूजर्स को अपडेट मिलना स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद गाइज, अगर अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके वही अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गाइज, अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, इसी वजह से आप अलर्ट रह के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते हैं ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो वो आता है गाइज Redmi 9 Power का। तो Redmi 9 Power डिवाइस में रिसेंट में ही एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिला था, जिस अपडेट का वर्जन आप लोग को MIUI 12.5.10.0 का देखने के लिए मिल गया था, जिस अपडेट के थ्रू डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया था। इसी के साथ में डिवाइस में जो भी बग एंड इशू था ना उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। तो यार ये जो एक अपडेट था ना वो एक बेटर अपडेट था। सो गाइज, आप लोग को अगर अपडेट देखने के लिए मिल गया एंड अभी तक आप अपडेट नहीं किए, यार आप अपने डिवाइस को अपडेट कर लें, ये अपडेट काफ़ी बेटर अपडेट है। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है ना वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि Redmi 9 Power डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो यार, Redmi 9 Power डिवाइस में बहुत ही जल्द MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बात करें एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, यार हो सकता है कि आप लोगों को ना अक्टूबर
महीना के फर्स्ट वीक से अपडेट मिलना स्टार्ट तो हो सकता है पायलट यूजर्स को। तो गाइस जो पायलट यूजर्स है वो थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो वो आता है यार पोको M2 प्रो का। तो गाइस पोको M2 प्रो डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है, जिस अपडेट का वर्जन है MIUI 12.5.6.0 का, गाइस ये अपडेट मिले हुए कुछ टाइम हो गया है एंड गाइस डिवाइस में कुछ बग एंड इशू फेस कर रहे हैं यूजर्स। तो गाइस इसी वजह से पोको M2 प्रो डिवाइस के यूजर्स को MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 अपडेट से पहले एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जिस अपडेट के थ्रू डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यार ये जो अपडेट होने वाला है ना वो काफ़ी बेटर अपडेट तो होने वाला है। सो गाइस अगर हम बात करें कि ये अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, जिस अपडेट का वर्जन में भी हो सकता है MIUI 12.5.7.0 का, तो गाइस देखो आप लोग को सितंबर महीना में ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में तो सितंबर महीना के एंड वीक में आप लोगों के पोको M2 प्रो डिवाइस में MIUI 12.5.7.0 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें कि फिर MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो एज अक्टूबर महीना के एंड वीक से हो सकता है कि पायलट यूजर्स को MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट तो हो सकता है। उसके बाद यार अगर अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिला तो भाई उसके अप्रॉक्स से 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इन डिवाइस में जब भी MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।